झारखंड के कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को राज्य सरकार ने ग्लोबल बाजार मुहैया कराने की दिशा में पहल शुरू की है। अब प्रदेश के करीब 200 हस्तशिल्प उत्पाद फ्लिपकार्ट ऑनलाइन बेचेगी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया है, जिसे समर्थ नाम दिया गया है। फ्लिपकार्ट से MOU होने के बाद CM रघुवर दास ने कहा कि सरकार लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर जिले में उद्योग समागम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे क्षेत्र में बांस की बहुत ज्यादा उत्पादन और बांस से पहले फॉरेस्ट विभाग में रहने के कारण हमारे किसान को बांस काटने के लिए भी वन विभाग से परमिशन लेना तरह तरह की परेशानी होती थी। इससे हमारे किसान बांस लगाने पर जो उनकी रुचि होनी चाहिए वो रुचि घटते जा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बांस को वन विभाग से अलग हटाने का काम किया। अब कोई भी किसान अपने खेत में अपने क्षेत्र में कहीं बांस लगाए हैं तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। महीनों की मेहनत के बाद 31 जुलाई को फ्लिपकार्ट समर्थ लॉन्च किया गया है। आज हम इस समर्थ प्रोग्राम को झारखंड में शुरू करने के लिए जा रहे हैं। समर्थ के जरिए से हम भारत के सभी कारीगरों, हस्तशिल्प कलाकारों और बुनकरों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ेंगे। साथ ही साथ समर्थ इन घटों को प्रशिक्षण, व्यापार और सहयोग, पैकेजिंग और शिपिंग करार के बाद फ्लिपकार्ट जैसी नामी गिरामी कंपनी भी हस्तशिल्प उत्पादों को देश के कोने कोने तक पहुंचाएगी। ऐसा होने से झारखंड के हस्तशिल्प कलाकारों के कामों की सराहना होगी और उन्हें रोजगार भी मिलेगा। फ्लिपकार्ट और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड प्रबंधन की सहमति से 200 उत्पादों का चयन कर लिया गया है। R9 TV के लिए रांची से ब्रजेश राय की रिपोर्ट।